नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आई है नाला सुपारा से, जहां आज सुबह रविवार की सुबह महाराष्ट्र एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के एक माओवादी को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र एटीएस की टीम ने आज सुबह एक गिरफ्तारी अंजाम दी है और ऐसा बताया गया कि ये जो माओवादी है, जो पिछले 2014 से सीपीआई संगठन से जुड़ा हुआ है और जो संगठन झारखंड में सक्रिय है, इसका नाम कारू यादव बताया गया है, जिसकी उम्र 45 साल बताई जा रही है। यह माओवादी फिलहाल महाराष्ट्र आया हुआ था अपनी कुछ डॉक्टरी जांच कराने के लिए और नाला सुपारा के संतोष भवन धान विभाग क्षेत्र में छुपा हुआ था। पुलिस को सूचना मिली, उसके ऊपर आधार पर पुलिस ने इसकी आज गिरफ्तारी की है और महाराष्ट्र एटीएस ने आगे झारखंड पुलिस को इत्तला कर दी है। आपको यह भी बता दें कि इस माओवादी के ऊपर झारखंड पुलिस ने 15 लाख का इनाम घोषित किया हुआ है। जब आप तस्वीर देख रहे हो, तस्वीर उसी की है और आज सुबह गिरफ्तारी हुई है। तो एक बड़ी कामयाबी आज पुलिस को हासिल हुई है, माओवादी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो ये आप खबर देख रहे हैं, अपडेट ये आज सुबह की अपडेट है और नाला सुपारा से एक बार फिर बड़े अपराधी के पकड़े जाने की खबर सामने आई है। कई बार नाला सुपारा से बड़े बड़े अपराधी पकड़े जाते हैं, उसके पीछे नाला सुपारा में जो एक माहौल ऐसा है कि अपराधियों को कोई भय नहीं है नाला सुपारा से, तो उसी का नतीजा है कि नाला सुपारा में इस तरह से अपराधी पाए जाते हैं। अब इस आरोपी को पकड़े जाने के बाद में फिलहाल पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन एक तस्वीर जरूर सामने आई है, वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।